अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। माई छोटा स्कूल के उद्घाटन कर रहा चितरंजन कुमार चिंटू भैया जो युवा लीडर हैं और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं उद्घाटन के मौके पे आप इस विद्यालय का उद्घाटन किए हैं, आप बताएं इसके विषय में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डायरेक्टर हैं उनको कि इस ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल टाइप का है ये हमारी छोटा स्कूल। एक अच्छा प्रयास है छोटे बच्चों के लिए कि छोटे बच्चे जो आजकल आप देखते हैं कि घरों में महिलाएं जो है अस्त व्यस्त रहती है आज की तारीख में, तो बच्चों को यहाँ पे एक ऐसी सुविधा मिलेगी जिसमें बच्चे खेल सकेंगे और अपने सर्किल को बढ़ा सकेंगे, अपने दोस्त बना सकेंगे, नए दोस्त बनेंगे इससे। और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के स्कूल की आवश्यकता थी और यह एक बेहतर प्रयास है इनका। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं लग रहा है ये आधुनिक व्यवस्था है। हाँ, वजीरगंज के अंदर एक काफ़ी स्कूलों में घूमते हैं, ये भी उसमें से एक अच्छा प्रयास है। तो बच्चों को कितना मोटिवेशन मिलेगा? देखिए, तो निर्भर करता है कि इनके शिक्षक कैसे हैं और ये कितना उसको सीरियसली लेते हैं, इनकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। और बच्चे तो निश्चित रूप से आजकल सभी माँ बाप चाहते हैं कि कम समय में ही, हम लोग तो पाँच वर्ष की उम्र तक, सात वर्ष की उम्र तक खेलते ही रहते थे, तो भी स्कूल तो हम लोग को पकड़ के ले जाया जाता था कि पकड़ कहरा में कभी नहा रहे हैं तो कभी पहाड़ पर चढ़। आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति नहीं है, आजकल तो बच्चे खड़ा होना शुरू नहीं किए कि स्कूल ही आ जाते हैं, 3 साल की उम्र में स्कूल आ जाते हैं। तो आजकल माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, एजुकेशन मिले उसको, और इस तरीके के स्कूल खुलने से उनको सुविधाएँ मिलेगी, तो निश्चित रूप से एक हॉल तैयार होगा और आगे जा कर के बच्चे अच्छा करेंगे। ग्रामीण परिवेश में होने के वजह से यहाँ पे कैसा लगता है कि बच्चों को यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। पहले तो सारे ग्रामीण स्कूल, क्या बड़े स्कूल भी ऐसे जगह पे होते थे जहाँ ग्रामीण पहुँच नहीं पाते थे। नेत्रहाट विद्यालय आप देख लो, वहाँ कितने लोग जाते हैं। चाहे जेठियन का विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, वो भी साइड में ही है, गुरुकुल हमेशा साइड में हुआ करता, तो स्कूल तो शांत जगह की चीज़ ही है, तो ये इससे बढ़िया है, यहाँ पे शांति है और लोग हमेशा ऐसी जगह पे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम लोग तो सुबह में 3 बजे रात्रि में उठ करके पढ़ते थे, तो शांत पर्यावरण चाहिए बच्चों के लिए, तो वो है इधर इधर कोलाहल कम है, बस कम आती है, तो ऐसा वातावरण बेहतर है स्कूल के लिए, अच्छा है। इस मौके पे बच्चों के लिए और बच्चों के अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के अंदर शिक्षकों के लिए है कि बच्चों के अंदर सिर्फ अक्षर का ज्ञान न दें, उनको संस्कार भी दें, क्योंकि आजकल संस्कार की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। आजकल माता पिता सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला ही, या फिर अभी हमारे यहाँ संस्कृत विलुप्त होते जा रही है। पहले हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, हमारे यहाँ जितने भी काव्य हैं सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, महाकाव्य हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन आज के तारीख में और संस्कृत की भाषा बोलने से आवाज़ साफ़ होती है, गला साफ होता है और उच्चारण सही होता है, शुद्ध उच्चारण होता है। अंग्रेजी बोलने वाले की अपेक्षा संस्कृत बोलने वाले लोग ज़्यादा सही उच्चारण कर सकते हैं और कहीं ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले से उनका माइंड शार्प होता है। इंग्लिश में तो सिर्फ 26 वर्ड है, 26, लेकिन संस्कृत और हिंदी में आप देखेंगे तो कई मालाएँ। तो इंग्लिश प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता है बच्चे के अंदर संस्कार का, सामाजिकता का और एक अनुशासन का,
होना जरूरी है, वो मैं चाहूँगा कि इस स्कूल से उनको मिले। आज माई छोटा स्कूल का ओपनिंग हुआ है, क्या क्या उपदेश है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सबसे पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यालय नहीं है जहाँ की लगभग जो शिशु है 2-3 वर्ष के बच्चों को भी प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए उसको विद्यालय आने का। और कैसे रहा जाएगा, कैसे खेला जाएगा, कैसे शिक्षा ग्रहण की जाएगी, हमारा उद्देश्य है कि बौद्धिक विकास, छोटे बच्चे बचपन से उनका बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर किया जाए, इसी उद्देश्य से छोटा विद्यालय, मैं छोटा विद्यालय का उद्देश्य ही है क्योंकि बौद्धिक विकास बहुत कम उम्र में है। इसमें किस तरह के बच्चे रहेंगे? बच्चे रहेंगे 3-4 वर्ष के बच्चे रहेंगे, अभी 3-4 वर्ष के बच्चे का ही नामांकन होगा, उसके बाद UKG तक यहाँ शिक्षा होगी। मैं छोटा स्कूल, किस तरह की यहाँ पे उनके शिक्षा दी जाएगी और क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था है उनके लिए, नर्स की भी व्यवस्था है, उनको चलाने के भी, उसके बाद शिक्षक है, मैंने हंसा के खिला करके उनको कुछ शिक्षा दी जाएगी। ओनली मोटिवेशन है, हाउ टू मोटिवेट द किड्स, दैट इज द मोटिव। ऐसे विद्यालय का, इस परिवेश का, यानी ये छोटा माई छोटा स्कूल, इसका आज ओपनिंग हुआ है, तो ओपनिंग सिरोमनी में आप क्या बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप टीचर हैं? ऑन द ओपनिंग डे ऑफ माई छोटा स्कूल, व्हाट मैसेज यू आर गोइंग टू गिव टू आवर चिल्ड्रन? एक्चुअली वी नीड टू गिव गुड क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बिकॉज द वर्ल्ड इज ओबेसिटी। We want to make every child capable to meet the present generation's need, so where they need to face the tough competitions. We want to make the child to face such competitions in the world. So we give the training to them such a way that children can come up in their life, face the challenges of their life. So it can be done from the childhood itself. All of a sudden, in the last moment of trying, a person cannot be achieve his success. So to make him success, we have to give the training from the childhood itself. So catching a person from its seed and making him to a tree is the concept behind this chota, my chota school. So we give complete training to make the child a successful. That is our aim. So we need to give quality education, and as well as we need to give promotion to their extra curricular activities like life skills, development of all around the child is the aim of my child school and Mission Public School. So this is what I want to tell on this occasion. माई छोटा स्कूल, माई छोटा स्कूल का क्या परिकल्पना है? कम खर्चे में ग्रामीण इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। कि हम जब छोटे थे स्कूल आने समय बहुत रोते थे, लेकिन हमारा ये संकल्प है, हमारा ये सोच है कि बच्चे हंसते हुए आए और हम उनको इतने पूरे खुश करके भेजें, उनको ये नहीं लगे कि हम बर्डन के साथ पढ़ रहे हैं, उनको बस खेलना है, हमें यहाँ खिलाना है और खेल में उन्हें सिखाना है। हमारा मकसद ये है, इसी मकसद को लेकर हमारे डायरेक्टर सर का ये सोच है कि एकदम कम खर्चे में बच्चों को वो सुविधा दी जाए जो बड़े बड़े सब शहरों में दी जाती थी, हमारा ये परिकल्पना है इसका। ये ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश में बच्चों को शिक्षा को विकसित करना कितना बड़ा चैलेंज है, कितना चैलेंज लगता है? सचमुच में यह चैलेंज तो है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम जो हमारा फी स्ट्रक्चर है बहुत इतना कम रखा गया है कि हमें उससे कुछ नहीं बचे, लेकिन उस खर्चे में हमारा स्कूल बस चल सके और हम गरीब से गरीब बच्चों तक, परिवार तक पहुंच सके। और हमारा जो उद्देश्य है ना, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन, वो हम सभी बच्चों तक पहुँचा सके और एक सुनहरे भविष्य का तैयार कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्हीं बच्चों में से हमारा अगला सुभाष चंद्र बोस,
महात्मा गांधी और सभी इसी में हैं। हमें दूसरे महात्मा गांधी को हम तैयार करना है, हमें दूसरे नए सुभाष चंद्र बोस जी को तैयार करना है, भगत सिंह को तैयार करना है, हमारा यह उद्देश्य है। क्या क्या फैसिलिटी बच्चों के लिए रखी गई है, क्या क्या फैसिलिटी रखे गए हैं बच्चों के लिए, तो तालीम दी जाएगी बच्चों को उसके लिए? हमारे पास प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं, 8 मल्टीपल कोर्सेस हैं जिससे हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनको खेलने की सुविधा दी गई है, सेंसरी डेवलपमेंट सुविधा दी गई है, विजुअल एंड ऑडियो ये सारी चीज़ का व्यवस्था की गई है कि उनको आसानी से हम पढ़ा सकें। और हम जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं उनको घर तक भी भेजेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स भी जान पाएँ कि मेरे बच्चों को क्या कराया गया है, क्या पढ़ाया गया है, उस पर वो आराम से वहाँ भी घर में भी उनको ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर का सुविधा है कि हम उस चीज़ को उनके घर तक पहुँचा सकें। यूँ कहा जाए ये से छोटे से ग्रामीण इलाके में बच्चों को तालीम देने के लिए अभी बहुत बड़े आधुनिक चीज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने अपने डायरेक्टर सर को कि वो अपने जीवन से बहुत कुछ सीखे, वो यही रहे, यही पले बढ़े। कौन डायरेक्टर हैं? नरेंद्र कुमार सिंह सर जी, बताएं। तो वो जो दिक्कत झेले यहाँ पे, वो नहीं चाहते हैं कि हम हमारे परिवेश के जो बच्चे हैं उनको वही दुख का सामना पड़े, उनको बढ़िया पढ़ाई नहीं मिल पाए, शिक्षा नहीं मिल पाए। इस चीज़ को सोचकर उन्होंने ये परिकल्पना की और ये व्यवस्था की। सर का ये उद्देश्य है कि जो बड़े बड़े शहरों में सुविधा दी जाती थी वो ग्रामीण इलाकों को बच्चों तक भी वो सुविधा पहुंच सके और आसानी से पहुंच सके, कम खर्चे में पहुंच सके, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा सब किसान भाइयों के पास पैसा उतना उपलब्ध नहीं होता है। तो उनका कल्पना ये है कि एकदम कम से कम खर्चों में, एकदम न्यूनतम खर्च में हम ऐसे सुविधा प्रदान कर सकें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके, यह परिकल्पना हमारे सर का है। ये परिकल्पना बच्चों को विकसित करेगा जी सर। क्या नाम हुआ? मैं विशाल पांडे, इस विद्यालय का शिक्षक हूँ। और आपके साथ में टीचर हैं? प्रिंसिपल सर हैं। क्या नाम हुआ? बिजू मोहन सर, फ्रॉम केरला है ना, ये केरला से आए हुए हैं और इनके आने के बाद हमारे विद्यालय में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। हमारा मकसद बस एक है कि हम बच्चों में इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान कर दें कि आने वाला टाइम में मिशन, हमारा स्कूल का नाम मिशन पब्लिक स्कूल और माई छोटा स्कूल, ये उज्ज्वल और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, हमारा उद्देश्य ये है। ग्रामीण परिवेश में हमारे विद्यालय के डायरेक्टर को हृदय का लालन और पालन और शिक्षा दीक्षा हुई है, तो उनको अपने जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अभी वो अपने आप में ऐसा सक्षम महसूस करते हैं कि हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, हमारे परिवेश में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण इलाके के बच्चे बच्चियों में एक अच्छी शिक्षा का सोच बने गार्जियनों में और अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बना सके, उनमें अच्छा संस्कार दे करके अच्छा सुसंस्कृत बनाया जाए, सुशिक्षित बनाया जाए, उनका चहुमुखी विकास किया जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने एक विद्यालय की परिकल्पना की और इस विद्यालय के संरचना में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है और यह विद्यालय अभी इस स्थिति में आ पहुँचा है और भविष्य में ऐसा उम्मीद किया जाता है यह विद्यालय और आगे बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में, जहां बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। बच्चों में जरा सा भी अनुभव नहीं होगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा,
क्योंकि उनके दिल में उमंग और तरंग भरी जाएगी, जिस उमंग और उत्साहित होकर के बच्चे लोग आएंगे स्कूल में और शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो सोच है, हम लोग सारे शिक्षक लोग मिलकर के साकार बनाने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और इसको पूरा करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं इस विद्यालय का वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजी की बात करें, ये विद्यालय के लिए फ्रेंचाइजी ली गई है? फ्रेंचाइजी लिए है बच्चा को सिखाने के लिए। ये जो फ्रेंचाइजी का नाम है ना, ये हटाइए ना, जिनके नाम से है निर्मला देवी। बोले सर को बुलाओ तो बोले नहीं, सर को बुलाए हैं, ये देखें केरला से आए हैं। ये केरला से आए हैं, बच्चों को देखभाल करेंगे, पढ़ाएंगे और आएंगे टू गिव अ गुड एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर फ्रॉम द बैकवर्ड एरियाज, वी हैव टू गिव गुड ट्रेनिंग टू देम, एज सिंस इट इज अ रूरल एरिया। Even though children and parents are having eager to get good education, there is no such proper schools are available in our area. So our motto is that to give a world class education to the children in rural area. मैं इसलिए फ्रेंचाइजी ली हूँ कि अच्छा बच्चा को पढ़ाई दें, और केरला से टीचर मंगा रहे हैं। बीजू आपका नाम? मेरा निर्मला देवी जी। आप ही के नाम पे फ्रेंचाइजी मिली है जी, आप बच्चों को उज्जवल भविष्य करने के लिए आप यहाँ बना रहे हैं जी। ओके थैंक यू। केरला से टीचर मंगा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे माई छोटा स्कूल का ओपनिंग किया गया है, इस मौके पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नई शिक्षा जो नीति बनी है, उस नई शिक्षा की नीति में भी है कि पहले तो मातृभाषा में शिक्षा हो, और संदेश देना चाहता है कि इस इलाके के निर्धन से निर्धन परिवार के भी बच्चे विद्यालय में आवे और पढ़े, और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा के प्रति उन्हें प्रेरित की जाएगी बच्चों को, और ये जो आधुनिक तरीके से जो बच्चों को सिखाया जाएगा, खेल खेल में पढ़ाई की कराई जाएगी। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक तरीका है, सरकार ने ये इसलिए नहीं बनाया है कि बच्चों को किताब का ज़्यादा बोझ नहीं, खेल खेल में, बातचीत में, हंसा कर, खिला कर, अगर उसको मोटिवेट किया जाता है शिक्षा के प्रति, तो ज़्यादा ग्राह्य होगा।